नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A74 5G वर्सेस Infinix Zero 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A74 5G में 6.41 इंच जबकि 05G में 6.64 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A74 5G में 2.94 इंच जबकि 05G में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो A74 5G में 0.33 इंच जबकि 05G में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि A74 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो A74 5G में 188 ग्राम जबकि 05G में 199 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि A74 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो A74 5G में 20:9 जबकि 05G में 20.5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A74 5G में 6.5 इंचेस जबकि 05G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A74 5G में 1080x2400 और 05G में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A74 5G में 83.83% जबकि 05G में 84.71% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A74 5G में 405 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 05G में 396 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A74 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और 05G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A74 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 05G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A74 5G में Adreno 619 जबकि 05G में Mali-G 68MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A74 5G में Qualcomm Snapdragon 480 और 05G में MediaTek Dimensity 900MT 6877 मिलता है। बात करें RAM की तो A74 5G में 6GB जबकि 05G में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A74 5G 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 17,990 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें 05G की तो वो 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
ओप्पो A74 5G में 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें इन्फिनिक्स जीरो 5G की तो उसमें 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 05G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A52 है, दूसरा शाओमी पोको M2 Pro है, तीसरा शाओमी रेडमी 9 प्राइम है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी पोको X3 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।